अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें मुसलमान पैदा किया। इस नेमत की बदौलत हमें बचपन से ये मालूम हुआ कि हम कहाँ से आए हैं और हमें मरने के बाद कहाँ जाना है और हमारी ये जिंदगी किस मकसद के लिए है। अल्लाह सुभानहु ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, खलकल मौत वल हयात लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि उसने मौत और जिंदगी को बनाया कि तुम्हें आजमा कर देखे तुम में अच्छे काम कौन करता है। हम में से हर एक के लिए ये जिंदगी एक इम्तिहान है। हम सब से ये देखा जा रहा है कि हम कैसे अमल करते हैं। फिर हमारी जिंदगी के इख्तिताम पर हम सबको मौत से वास्ता पड़ने वाला है और हम सब ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जिंदगी में वो दिन भी आने वाला है जब हम सबको अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। वहाँ हमारे अच्छे और बुरे आमाल की जांच परख होनी है। वहाँ हमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाने वाला है। लिहाजा हम में से हर एक को इन हकायक के बारे में अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। आज की इस शाम जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो है मौत के बाद क्या होता है और फिर मौत के बाद क्या चीज हमें फायदा देती है। तो गोया आज की गुफ्तगू दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक तो बजाते खुद मौत और उसके बाद होने वाले मरहलों से मुतल्लिक है और दूसरी कि मरने के बाद फिर वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हम सबको फायदा पहुंच सकता है। मौत के बारे में गुफ्तगू करना कोई बहुत खुशगवार बात नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे कोई भी फरार हासिल कर नहीं सकता। ये एक ऐसा तल्ख प्याला है जो हम में से हर एक को पीना है। इसलिए अकलमंद है वो शख्स जो आने वाले वक्त से पहले उसके लिए तैयारी कर ले और अच्छी तरह जान ले कि उस पर कैसी कैसी कैफियत गुजरने वाली हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुभानहु ताला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। और ये बात तीन बार फरमाई गई है। मौत क्या है? मौत जिंदगी का अपोजिट है, जिंदगी का जोड़ा है। हर चीज अपने जोड़े के साथ मुकम्मल होती है। इसी तरह जिंदगी का तसव्वुर उस वक्त तक अधूरा रहता है जब तक के मौत का जिक्र न हो। इंसानी तखलीक के बारे में अल्लाह सुभानहु ताला ने फरमाया, वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैही तुरजाऊन, तुम मुर्दा थे फिर उसने तुमको जिंदा किया, फिर वो तुमको मौत देगा, फिर वो तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे, फिर तुम उसी की तरफ जमा किए जाओगे। हम कुछ न थे फिर हम वजूद में आए, फिर एक वक्त होगा कि मौत आ जाएगी और हमारी ये जाहिरी हस्ती खत्म हो जाएगी और फिर एक वक्त आएगा कि दोबारा जिंदगी मिलेगी और फिर अल्लाह की तरफ वापसी, हिसाब किताब का वक्त। गोया हर इंसान इन चार मरहलों से गुजरता है। पहला मरहला कुछ न थे। इस मरहले में हमारी रूह मौजूद थी क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद पैदा कर लिया था, लेकिन दुनिया में आने तक वो सब एक इंतजारगाह में होती हैं। उसमें रूह एक अलग वजूद रखती है मगर जिस्म नहीं होता। ये कैफियत भी मौत से मिलती जुलती है जब रूह तन्हा होती है। फिर जिंदगी जब मिलती है तो रूह को जिस्म मिल जाता है। फिर जब मौत आती है तो रूह जिस्म से जुदा कर दी जाती है। फिर जब दोबारा जिंदगी मिलेगी तो जिस्म और रूह फिर आपस में मिल जाएंगे। तो गोया दूसरे लफ्जों में मौत नाम है जिस्म और रूह की जुदाई का और जिंदगी नाम है दोनों के मिलाप का। हम कुछ न थे, हम वजूद में आए, हमारी रूह को जिस्म मिला और जब हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, हमें दिया हुआ वक्त मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर हम में से हर एक को मौत की कैफियत से लाजमन दोचार होना होगा। वो वक्त बहुत उदासी का वक्त होता है। जुदाई का वक्त तो वैसे भी खास जिंदगी में ही किसी से जुदाई हो वो एक तकलीफ देह वक्त होता है। अलग होना, बिछड़ना कोई खुशगवार बात नहीं। आर्जी जुदाइयां भी तकलीफ देह होती हैं, लेकिन कुछ जुदाइयां फिर मुस्तकिल हो जाती और उसके बाद दोबारा इस दुनिया में वापसी का इम्कान नहीं। फिर इंसान अगले मरहले तय करता है। वो वक्त न सिर्फ ये कि रूहानी तौर पर एक उदासी का, तकलीफ का वक्त होता है, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी एक तकलीफ देह वक्त होता है। मौत के वक्त की एक सख्ती होती है। रूह के साथ जिस्म भी उस तकलीफ को महसूस करता है। इंसान का बाल बाल दुखता है। वो वक्त एक बेहोशी का सा वक्त होता है। कुरान पाक में सूरत काफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजाअत सकरतुल मौत बिलहक, और मौत की बेहोशी या मौत की सख्ती हक लेकर आ पहुंची। यानी मौत के वक्त
एक बेहोशी किसी कैफियत और एक तकलीफ किसी कैफियत होती है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला सकरातिल मौत व गमरातिल मौत, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा मौत की बेहोशियों पर और मौत के वक्त जो तकलीफ है उस पर। अल्लाह सुभान व तआला ये भी फरमाते हैं, कल्ला इदा बलगत तराकिया वकील मन राक वजन अन्नहु الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق। सूरत अल-क़यामा की इन आयात में बताया गया कि जब जान हलक तक पहुंच जाती है तो कहा जाता है कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला। आदमी ये समझता है कि अब दुनिया से जुदाई का वक्त आ गया, उस वक्त पिंडली के साथ पिंडली मिल जाती है, यानी इंसान की इंतहाई बेबसी की कैफियत होती है। न कोई इलाज काम आता है, न कोई दम दरूद काम आता है, और इंसान अपनी रूह को खैरबाद कह देता है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की तमन्ना न करो, ला तमन्नाउल मौत। जानकुनी की तकलीफ बड़ी शदीद है और ये नेक बख्ती की अलामत है कि अल्लाह किसी बंदे की उम्र लंबी कर दे और उसे तौबा की तौफीक अता फरमा दे। मौत के बाद जिस्म होते वो कब्र में होती है और रूह जो होती इल्लियीन सिज्जीन में होती। नेक लोगों की रूह इल्लियीन में होती है जो बुलंद जगह है, और बदतरीन लोगों की रूह सिज्जीन में होती है जो कैद खाना है, और वहाँ उनके साथ जो भी मामला होता है जजा या सजा का। लेकिन कब्र के अंदर या जिस्म जहाँ पर भी हो एक लिंक उसका बराबर रहता है जिससे जिस्म भी तकलीफ महसूस करता रहता है, खा वो एक घड़े के अंदर हो या फैला हुआ हो। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे करोड़ों मील दूर सूरज होने के बावजूद उसकी किरण हमारे जिस्म पे पहुंचती है तो एक कनेक्शन हो जाता है, और एक जैसे शुआ आपकी आंख में अगर रिफ्लेक्ट होकर भी आती है तो एक पियर्सिंग इफेक्ट होता है उसका। तो इसी तरह कब्र में मुर्दे को जो अजाब होता है ये कुरान और हदीस से साबित है। लेकिन शुहदा की रूहें जो है वो जन्नत में होती है, उनको रिस्क दिया जाता है और उनके साथ अच्छा मामला होता है। आपने फरमाया, शहीदों की रूहें सब परिंदों की शक्ल में कंदीलों में रहती हैं जो अर्श इलाही के नीचे लटकी हुई हैं। जब चाहती हैं जन्नत में सैर के लिए चली जाती हैं, और जब चाहती हैं वापस आके उन्हीं कंदीलों में बैठ जाती। ये मुस्लिम की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुहदा जन्नत के दरवाजे पर बहने वाली खूबसूरत नहर के सब्ज गुम्बदों में है जहाँ उन्हें सुबह शाम उनका रिस्क दिया जाता है। इसके बाद ये कि क़यामत का दिन आता है और इंसान का हिसाब किताब शुरू होता है, मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगी। मैं अपने लेक्चर का दूसरा अहम तरीन हिस्सा कि मुर्दे के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, वो तो पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था। इन अहादीस की रोशनी में और कुरानी आयात की रोशनी में ज्यादा बड़ा फर्क जो है वो मुस्लिम और काफिर का है, और एक चीज बीच में मुनाफिक की भी आती और बुरे अमाल की भी आती। बहरहाल क़यामत के दिन इंसान की शक्लों सूरतों को, उसके माल को, प्रॉपर्टी को, जायदाद को, उसकी जहानत और उसकी डिग्रियों को, सर्टिफिकेट्स को नहीं देखा जाएगा। उसकी नीयत देखी जाएगी, उसका अखलाक और उसके आमाल और उसका किरदार देखा जाएगा कि उसने अल्लाह ताला की पसंद के कितने काम किए। मसलन एक शख्स जबान खोलता है और गलत बातें करता है, झूठ बोलता है, इल्जाम तराशी करता है और साथ नमाज भी पढ़ता है। एक शख्स शहीद हो रहा है और साथ वालदैन की नाफरमानी वो करता है। तो कुछ मुसलमान ऐसे होंगे कि जिनके मिले जुले अमल होंगे। अब ये अल्लाह ताला पर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ क्या मामला करे। देखे ना, आप इंसानों में कुछ इंसान होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं, आपको मालूम है कैसे मामला करें, कुछ दुश्मन होते हैं आपको पता है, कुछ बीच के लोग होते हैं, फिर वो अल्लाह की मर्जी जिस कैटेगरी में उनको रखे। लेकिन बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम के सामने इन सब बातों का जिक्र किया तो सहाबा कराम एक मौके पर इतना रोए कि सब ने अपने मुंह पे कपड़े डाल लिए और सिसकियां ले लेकर रोए। उन सब ने ये महसूस किया गोया ये सारी बातें हमारे ही बारे में की गई। लेकिन जब हमें इस तरह की कोई बात सुनाई जाए तो हम कहते हैं, नहीं नहीं ये तो काफिर की बात है, मुनाफिक की बात है, हम तो कलमा पढ़ते हैं इसलिए हम पे कोई असर नहीं। लेकिन ठीक है, हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कलमे की तस्दीक कितनी करते हैं, उसको सच्चा कितना मानते हैं, और अल्लाह ताला को बड़ा कितना मानते हैं, उसकी इताअत कितनी करते हैं। ये बात भी हम सबको सोचने की है। बात यह है कि अमल से ही इंसान की जिंदगी बनती है और अल्लाह ताला भी इंसान के अमल को देखता है। इसलिए हम सबको ये देखना चाहिए कि हमने अपनी आखिरत के लिए क्या तैयार कर रखा है। जैसे कि कुरान पाक में आता है, वलतंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, चाहिए कि हर शख्स देखे उसने अपने कल के लिए क्या तैयारी की है। सूरत यासीन में भी अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमु व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, कि यकीनन हम मुर्दों को जिंदा करेंगे
और हम लिख रहे हैं जो कुछ वो आगे भेजते हैं और जो अपने आसार छोड़ रहे हैं, और हर चीज को हमने खुली किताब में लिख रखा है। तो गया हर इंसान का नामा आमाल दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक वो जो अपनी जिंदगी में काम करता है अच्छे या बुरे, दूसरे वो जो उसके बाद उसके नाम पर या उसको देख कर लोग करते हैं। मसलन उसके जितने भी आसार हैं, आसार से मुराद निशानियां होती हैं, असर की जमा है, बच्चे उसकी निशानियां हैं, या उसका इल्म उसकी एक निशानी या अलामत है, या और उसके कुछ अच्छे आमाल, ऐसे अमाल का उसको बाद में भी बोनस मिलता रहता है, अजर मिलता रहता है, लेकिन नए अमल करने का वक्त खत्म हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद इंसान के अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सिवाय तीन चीजों के जिनका सवाब मैयत को पहुंचता रहता है। नंबर एक सदका जारिया करना, नंबर दो लोगों को फायदा देने वाला इल्म, नंबर तीन नेक औलाद जो मैयत के लिए दुआ करती है। तो गोया इंसान के आसार में तीन चीजें हैं, एक तो ये कि जिंदगी में इंसान ऐसी जगह अपने हाथ से पैसा लगा जाए कि जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, जैसे कोई कुआं खुदवा दिया या कोई स्कूल बनवाया, कोई हॉस्पिटल बनवाया या कोई और अच्छा काम किया। दूसरा ये कि किसी को कोई तालीम दे जाए, कुछ सिखा जाए, कोई अच्छी बात बता जाए और वो उस पर अमल करे। और तीसरी ये कि नेक औलाद जो अच्छी तरबियत वालदैन करते हैं तो उस पर जो कुछ वो नेक औलाद काम करेगी वो वालदैन के लिए अजर सवाब का बायस होगी। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते हैं दोस्त तीन किस्म के होते हैं, यानी फ्रेंड्स की तीन किस्में। एक दोस्त तुमसे कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहाँ तक कि तुम कब्र में पहुंच जाओ, ऐसा आदमी जब कब्र में पहुंचता है तो वो दोस्त उसका साथ छोड़ देता है। दूसरा दोस्त वो तुमसे कहता है तुम्हारा बस इतना हिस्सा है जितना तुमने गरीबों को दिया, और जो कुछ तुमने नहीं दिया अपने पास रखा वो तुम्हारा नहीं। इस दोस्त का नाम माल है, यानी एक इंसानी दोस्त है जो जिंदगी में साथ देता है, मरने पे साथ छोड़ जाता है। दूसरा माल है जो अगर तो अच्छे कामों में लगा दिया जाए, दूसरों पे खर्च किया जाए तो बाद में भी काम आएगा, और अगर सिर्फ अपनी ही जात पर खर्च कर दिया और अपनी ही ख्वाहिशात के पूरा करने पर तो उससे क्या होगा, वो बाद में काम नहीं आएगा। और तीसरा दोस्त तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा उस जगह भी जहां तुम दाखिल होगे, उस जगह भी जहां से तुम निकल कर जाओगे, यानी कब्र। इसका नाम अमल है। आदमी हैरान होकर अमल से कहेगा, बखुदा इन तीनों तरह के दोस्तों में से तुम को मैं हकीर और मामूली चीज समझता था और ये मेरी भूल थी। मैंने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए सब कुछ किया, कोई काम नहीं आया, सिर्फ अमल ही साथ रहा। तो गोया एक दोस्त इंसान है, दूसरा माल है और तीसरा अमल है। इंसान इंसानी दोस्तों को बहुत अहमियत देता है, माल को भी बहुत चाहता है, लेकिन काम करना पसंद नहीं करता जबकि साथ इसी को देना है। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन के इन कामों और नेकियों में से जिनका सवाब उसे मरने के बाद भी पहुंचता रहेगा ये चीजें हैं, यानी अपनी जिंदगी में इंसान ऐसे काम कर जाए जिसका अजर सवाब उसको मरने के बाद मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब वो काम बताए। अब ये हदीस हम सब के लिए कि वो कौन से काम है जो आज हम करें तो हमें कब्र में भी उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा, उसका फायदा मिलता रहेगा, क्योंकि अमल ही साथ जाएगा ना। वो कौन से है? नंबर एक वो इल्म जिसको उसने सीख कर फैलाया, यानी खुद भी सीखा और दूसरों को भी सिखाया या फैलाया। नंबर दो नेक औलाद जो अपने बाद छोड़ गया, क्योंकि वो भी जो कुछ करेगी इंसान की कोशिश होती है ना उसमें शामिल, क्योंकि औलाद को सिखाता है इंसान, तालिब इल्मों की तरह तरबियत करता है, तो जो वो करेगा वो भी सवाब मिलेगा उस। नंबर तीन कुरान मजीद जिसका वो दूसरे को वारिस बना गया, यानी उसके अपना था जिससे पढ़ता था करता था, फिर वो किसी को दे गया और कोई और उसको पढ़ रहा है। नंबर चार मस्जिद जो वो तामीर कर गया। नंबर पांच मुसाफिरों के ठहरने के लिए घर बना गया, ये कोई हॉस्टल भी हो सकता है, कोई मुसाफिर खाना सराय कुछ भी हो सकता है। नंबर छह नहर जारी कर गया, यानी पानी का इंतजाम कर गया। नंबर सात सदका खैरात जो वो अपने माल में से अपनी तंदुरुस्ती और जिंदगी की हालत में निकाल के गया, यानी कि मरते वक्त ये फलां को दे दो फलां को, वो तो फिर हो गया औरों का। इन चीजों का उसको मरने के बाद भी सवाब पहुंचता रहेगा, यानी ये वो अमाल है कि जो मरने के बाद भी इंसान के काम आते हैं। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है साद बिन उबादा की वालदा फौत हो गई तो साद ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ फौत हो गई है, क्या मैं उसकी तरफ से खैरात कर सकता हूँ? आपने फरमाया हाँ। अर्ज की कौन सी खैरात बेहतर रहेगी? फरमाया पानी पीने का इंतजाम, यानी दूसरों को पानी पिलाने का इंतजाम करो। तो मरने वाले के लिए ये नेकी भी बायस सवाब है, खा इंसान अपनी जिंदगी में खुद कर जाए या उसके बाद उसकी औलाद करे या वारिस करे। फिर इल्म के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बे इल्मों को इल्म सिखाना सदका है। हुसूल इल्म के रास्ते पे चलने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, यानी इल्म जो है इंसान के लिए बेहतरीन सदका जारिया है।
انسان اگر سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی مضمون لکھتا ہے، کوئی کسی کو تعلیم دیتا ہے، کسی طالب علم کو فیس دیتا ہے، کوئی اسکول بنوا دیتا ہے، کوئی مدرسہ بنواتا ہے، کچھ بھی جو علم کی ایکٹیویٹی یا ترقی کے لیے، اور آج کا دور جیسے کمپیوٹر انٹرنیٹ کا دور ہے یا اور وسائل، تو کوئی بھی ایسا آلہ یا چیز خریدنا یا تیار کرنا یا ایجاد کرنا، وہ سب اس میں شامل ہے جس سے خیر کی بات عام ہو سکے. پھر نیک اولاد، یعنی انسان کی زندگی میں بہت چانس ہے کہ اپنے بچوں کی، اور خصوصاً آپ مائیں ہیں جن کے پاس بچوں کو وقت زیادہ ملتا ہے رہنے کا، ان کی اچھی تربیت کرے. آپ نے فرمایا، سب سے پاکیزہ کھانا جو تم کھاتے ہو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے. یعنی گویا اولاد کو قرآن و سنت کا علم دینا، اچھی تمیز، اخلاق، ادب سکھانا جو ہے اجر و ثواب کا باعث ہے. ایک اور چیز جو میت کو فائدہ دیتی ہے وہ دعا ہے. ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جو دعا تم اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہو وہی تم کو بھی ملے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ یا بہن بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے، اور جب وہ اسے پہنچتی ہے تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری اس کو وہ دعا ہوتی ہے جو دوستوں کی طرف سے اس کو ملتی ہے یا اولاد کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اہل دنیا کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے. یعنی ہماری دعائیں مردوں کے حق میں کیسے ثابت ہوتی ہیں؟ جیسے پہاڑ جتنا تحفہ. جو معمولی چیز نہیں ہے کسی مرنے والے کے لیے دعا کرنا، مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا، یعنی ان کی بخشش کی دعا کرنا. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. تو یہ مسنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کے لیے پڑھتے تھے. ہم سب کو بھی اپنے والدین کے لیے اور دیگر رشتہ داروں کے لیے یا دوستوں کے لیے جو دنیا سے چلے جائیں، یہی دعا کرنی چاہیے. ہم سب کے پاس جو وقت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، حساب ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے لیے ایسے کام کرنے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنے. دوسرے وہ کام ہیں جو ہمیں اپنے عزیز دوستوں، رشتہ داروں، والدین اور دیگر اقرباء کے لیے کرنے ہیں اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ وہ اب اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ اب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہو گئے. تو سب سے پہلی بہترین چیز جو کرنی ہے آپ کو، وہ دعا کرنی. نمبر دو یہ کہ ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ کوئی قرضہ چھوڑ دیں تو پہلے اس کو ادا کریں، ان کی وراثت تقسیم کرنے میں مدد کریں اہل خاندان کی. تیسری چیز، اگر ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کو ادا کریں، چاہے خود رکھیں یا اس کا کفارہ دیں. اور چوتھی چیز یہ کہ ان کے لیے صدقہ خیرات کا اہتمام، جیسے کنویں کھدوانے کی شکل میں یا پانی پلانے کی شکل میں یا اور کسی بھی طریقے سے. تو دعا، قرضوں کی ادائیگی، علم کا پھیلانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میت کو فائدہ دیتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. میں نے اسی لیے ذرا سا پہلے چھوڑا ہے کہ دعا کا بھی وقت مل جائے، اور اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو جو اس لیکچر سے واضح نہیں ہوئی تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے. شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اختیارات میں کسی اور کو شریک سمجھنا شرک ہوتا ہے. ذات میں شرک کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کے علاوہ پتھروں کے بت یا فرشتوں یا نیک انسانوں کو بھی پوجنا، یعنی خواہ وہ کوئی قبر ہو یا پتھر کا کھڑا بت ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا پھر مورت ہو یا کوئی بھی چیز. صفات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ جو قوت اللہ کے پاس ہے وہ اوروں کے پاس بھی. مثلا وہ رزق دیتا ہے تو ہم یہ آس لگا لیں کوئی اور بھی دیتا ہے، اگر وہ دعائیں سنتا تو ہم سمجھے کوئی اور بھی ہماری پکار سننے والا ہے، اگر وہ رزق اور اولاد دیتا تو ہم سمجھے کسی انسان کے ہاتھ میں بھی ہے، نعوذ باللہ. ایسا یہ صفات میں شرک ہوتا ہے. کسی کو قسمتوں کا بنانے بگاڑنے والا ماننا، نہیں، یہ سب صرف اللہ ہی کرتا ہے. اِن یَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا. اگر تم کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. اگر یہ سمجھنا کہ ہمارا غم اور مشکل کشائی کوئی اور کر دے گا، یہ شرک. اسی طرح حقوق کے، جیسے عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اگر آپ غیر اللہ کی شروع کر دیں، نماز، روزہ، سجدہ وغیرہ، تو یہ شرک. اختیارات یہ کہ جیسے اختیارات اللہ کے اگر کسی اور میں سمجھے تو یہ بھی شرک. سوال ہے
मैयत के नाम पर खाना पकाकर किसी को खिलाना या मस्जिद में भेजने से मैयत को फायदा है या नहीं? अगर वो किसी गरीब को आप खिला रहे हैं, किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह फायदा पहुंचेगा, यानी सदका उसके नाम पर आप कर रहे हैं उसको फायदा पहुंचाने। लेकिन अगर वो पका कर खुद ही बैठ के खा लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है कि तीसरे दिन कुल करते हैं और उसमें अच्छे अच्छे फ्रूट काटते हैं और वो सब आए हुए दोस्त रिश्तेदार खा पी के घरों को चले जाते हैं, पार्टी का समय होता है, तो ये तो कोई सदके की किस्म नहीं है। या फिर ये कि हर जुमेरात को हम इसी तरह का काम करते हैं, या 40 दिन गुजरने पर हम देख चढ़ाते हैं और सब एक जैसे दावत हो रही है सबकी, आए बैठे कुछ और खाया पिया और चले गए, तो सदका है ना, यानी किसी गरीब को खिलाना, किसी जरूरतमंद को देना। तो मैयत के नाम पर अगर आप सदका करना चाहते हैं तो जरूरतमंदों को दें, यतीमों को दें, बेवाओं को दें, मिस्कीनों को दें, ये सदका होगा। 13 शाबान को मैयत के हवाले से कोई चीज कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। अच्छा, अब आप देखें कि मैयत के लिए मसलन अगर सदका करना है और आपको गरीब मिस्कीन को भी आपने खाना खिला दिया, तो और क्या करें? किसी को पढ़ा दें, किसी बच्चे की फीस दे दें और नियत ये कर लें कि इसका सवाब मैयत को पहुंचे। कोई स्कूल बनवा, आप देखें हमारे स्कूलों में लाइट नहीं होती, बैठने को कुर्सियां नहीं है बच्चों के, और इसी तरह इमारत नहीं है सर पे। पाकिस्तान में कितने स्कूल ऐसे हैं जिनकी छतें ही नहीं है, ओपन में स्कूल हो रहे हैं। तो ये इल्म जो है ये फर्ज है मुसलमानों पर हासिल करना, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इस फर्ज की अदायगी में अगर आप कोई भी चीज मैयत के लिए करते हैं तो उसका भी फायदा है। और अभी तो मुर्दे की हालत मैंने बताई है कि या तो नेक होगा और या बद होगा। तो अब अगर एक शख्स सजा में मुबतला है वहाँ, तो आपका क्या ख्याल है वो ईद कर रहा होगा? ये तो अकल को भी नहीं लगती ना बात कि मुर्दा ईद करे। मुर्दों की क्या ईद? निस शाबान की क्या कोई दुआ है? ये दुआ की कोई फजीलत है? देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी दुआ तो हमें नहीं पता चलती कुरान और सुन्नत में कि जो आपने 15 शाबान को खास तौर पे मांगी। देखिए कि इस्लाम में इबादत का जो तसव्वुर है वो ये है कि बंदा हर लम्हा अपने रब को याद करे, ये है इबादत की रूह। ये नहीं कि आप साल भर भूले रहें और एक दिन बस जल्दी से जाके हाथ लगाएं, याद कर लें, फिर आके वापस भूल जाएं। क्रिश्चियंस के अंदर तो ये है कि संडे के संडे आप जाके खुदा को याद कर लें और बाकी दिन जो है वो अपनी मर्जी के गुजारे। इस्लाम में क्या है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या होता था? कान यज़कुरुल्लाह फी कुल्ले अहयान, आप अल्लाह को हर लम्हा याद किया करते थे। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं खड़े और बैठे और लेटे, यह है इबादत का तसव्वुर। जैसे नमाज है, दिन में 5 नमाजें फर्ज है, इसकी पाबंदी लाजिम है, इसको न पढ़ने पर सख्त पकड़ है। क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। फिर उसके बाद साल में रोजे फर्ज है, वो अगर रमजान के बगैर आप रखेंगे तो उसको कोई फायदा नहीं, वो नफल शुमार होगी। एक रोजा रमजान का बगैर किसी वजह के छोड़ देना, उसके बदले में जिंदगी भर रोजा रखे तो वो अजर नहीं मिलता। यानी पूरी जिंदगी आप रोजे रखे ना और एक छोड़ दे रमजान का रोजा, तो वो बराबर नहीं हो सकता अजर। फिर हज फर्ज है साहिब इस्तेताअत लोगों पर, और हज के लिए दिन मुकर्रर है, महीना मुकर्रर है, वक्त और जगह मुकर्रर है, अगर उस पे आप नहीं पहुंचे तो आपका हज नहीं हुआ। ईदों का दिन मुकर्रर है। जकात के लिए कि जब आपका साल पूरा हो, साल में किसी भी वक्त जब आपका टाइम पूरा आप दे दें, ये तो है मुकर्रर दिन, मुकर्रर वक्त, मुकर्रर जगह, मुकर्रर तरीके। बाकी क्या है? हर वक्त अल्लाह को याद करो, जिक्र करो, तौबा इस्तगफार करो, तस्बीह करो, सदका खैरात करो, कुछ भी करो। लेकिन हमने क्या किया है कि कुछ मखसूस दिनों को बस खास कर लिया इबादत के लिए और बाकी जिंदगी अपनी मर्जी के लिए। ये तरीका कार दुरुस्त नहीं है। इसमें फिर खासतौर पर जो चीजें बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है वो रजब की 27 तारीख को इबादत कर लेना या 15 शाबान को कर लेना। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतनी कसरत से रोजे रखते थे कि और किसी महीने में रमजान के अलावा नहीं। आप कहते थे कि इस महीने में अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, मतलब मेरा जी चाहता है कि जब मेरे अमल अल्लाह के हुजूर पेश किए तो मैं रोजे से हूँ, इतना अजर व सवाब है इस महीने में रोजे रखने। लेकिन हम लोगों ने बाकी तो नफली रोजे भूल के सिर्फ एक 15 का रोजा रख लेते हैं। हालांकि आपने सिर्फ एक दिन मखसूस नहीं किया इसके लिए, हाँ 15 के बाद रोजे रखने से मना किया हमको ताकि अगले रमजान के ऊपर असर ना पड़े। बाकी इस महीने में सदका खैरात करें, जिक्र अजकार करें, नमाजें पढ़ें, जो भी करें अच्छे काम, वो आपको फायदा देंगे। लेकिन सिर्फ मखसूस औकात में मखसूस तरीके की मखसूस नमाज पढ़ के फारिग हो जाना और फिर फराइज की भी पाबंदी न करना, ये बात दुरुस्त नहीं। औरतों के कब्रिस्तान जाने के बारे में ये कि पसंदीदा नहीं है, कभी एक आध बार चला जाए इंसान इबरत के लिए तो और बात है। जैसे हजरत आयशा से रिवायत है, एक दफा वो गई थी अपने भाई की कब्र पर। या ये कि आप लोग कहीं बाजार से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में कब्रिस्तान है और गाड़ी गुजर रही, तो आप भी दुआ पढ़ दें। लेकिन स्पेशली कब्रिस्तान के अंदर जाके किसी कब्र के पास बैठ रहना और औरतों का कसरत से जाना, इसको नापसंद किया गया। कोई शख्स मर गया
उसके नाम पर खाना पकाना और फातिहा पढ़ना क्या दुरुस्त है? मैंने बताया ना अभी कि उसकी तरफ से सदका करने के लिए आप किसी गरीब को दे दीजिए और किसी जरूरतमंद को खिलाइए, आप उसके नाम पे सदका कर, नाम से मुराद ये कि उसकी तरफ से कि उसको सवाब पहुंचे, सदका खैरात आप कर सकते हैं जी। फातिहा जो है ये तो अपनी हिदायत की दुआ होती। सूरत अल फातिहा में क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो मुर्दे को तो हिदायत की दुआ नहीं चाहिए, मुर्दा तो मर गया, उसको तो अब बख्शिश की दुआ चाहिए। इसलिए उस मौके पर कुछ मखसूस जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाया, बस नियत करें, खा घर में नहीं भी पकाएं। देखें कितने लोग हैं जो घर में खाना पका सकते हैं, कई लोग जो है वो उनमें हिम्मत नहीं, कोई बीमार है, कोई मसरूफ है, कोई किसी के पास इतनी वुस्सत नहीं। तो आप बेशक राशन दे दें, आप पैसा दे दें, आप किसी भी तरह किसी की मदद कर दें, जरूरी नहीं कि पका के सामने रख के पढ़ के फिर दें, ये हमने खुद रिवाज निकाल लिया है। दुआ करना जो है मैयत को सबसे ज्यादा फायदा देता है। देखिये हमारा दुआ पे कुछ खर्च नहीं आता, आजान सुन लीजिए फिर दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि وزنت أرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما یا اللہ جو باتیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہیں آپ کو پسند آئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی بات بھولے سے زبان سے ایسی نکلی ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی تو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں ہدایت عطا فرما ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے نیک بندوں کی محبت عطا کر دے یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری کوتاہیوں سے اور سستی سے درگزر فرما یا اللہ تو ہمیں اس زندگی میں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا رب العالمین ریحانہ اور رخسانہ کی والدہ پر اپنی رحمت فرما ان کے درجات بلند فرما ان کو اپنی عافیت میں رکھ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما انہیں آخرت کی بہترین بھلائیاں نصیب فرما ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا انہیں بہترین نیک اعمال کی توفیق دے جو ان کی والدہ کے لیے بہترین اجر کا سبب ہوں یا رب العالمین ہم سب بھی اس رستے کے مسافر ہیں ہمیں بھی ان کاموں کی توفیق دے جو ہمیں وہاں کام آنے والے ہیں ہماری موت کی سختی کو ہم پہ آسان کر دینا نیک فرشتوں سے ہمارا واسطہ ہو یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا یا اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا آخری وقت کلمہ نصیب فرمانا یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے یا اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق دے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے اپنی ذات پر ہمیں مکمل ایمان اور بھروسہ عطا کر دے جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں سب کا آنا قبول کر اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما سب کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ہم سے درگزر فرما تو ہی ہمارا مولا ہے ہم سب پر اپنی رحمت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. رخسانہ کچھ کیسٹ اور کتاب شاید آپ کو اپنی والدہ کے صدقہ جاریہ کے لیے تقسیم کرنا چاہتی ہیں, اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں تو یہ چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے, اس کو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں, اپنے کہیں بھی قریب رکھ لیں. تو ویسے تو اتنی دعائیں زبانی یاد نہیں ہوتی, بھول بھی جاتے ہیں ہم, ترتیب یاد نہیں ہوتی. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس وقت آپ وہ کتاب کھولیں, 5 دعائیں 10 دعائیں 20 جتنی آپ میں توفیق ہو ان کو پڑھ لیں, نشانی رکھ لیں, پھر اگلی نماز کے بعد پھر اگلی 5-10 پڑھ لیں, پھر اگلی نماز کے بعد اس طرح کر لیں یا اگلی تلاوت کے بعد. کیونکہ میرا خود اپنا طریقہ یہی ہے کہ میں جب بھی نماز یا قرآن پڑھتی ہوں تو پھر ان دعاؤں کو آگے آگے چلاتی جاتی ہوں. اس طرح الحمدللہ قرآن کی دعائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں جس میں دنیا آخرت کی ہر بھلائی کا ذکر ہے, ہمارا اپنا دماغ اتنا کام نہیں کرتا, تو وہ آپ پڑھتے جائیں. اس کا ایک تو فائدہ آپ کو خود ہوگا, دوسرا یہ کہ جن کے صدقہ جاریہ کے لیے یہ دیا جا رہا ہے ان کو بھی ثواب پہنچے گا. دوسرا ایک کیسٹ ہے, اس کیسٹ کا نام ہے واپسی. یہ ہماری ایک بچی تھی, طالبہ تھی, وہ فوت ہو گئی, اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو فوت ہو گئی. وہ اتنی نیک بچی تھی کہ خود پڑھتی بھی تھی اور پڑھاتی بھی تھی اور ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی. تو اس کی زندگی ایک بہت مثالی زندگی تھی, اور اس کے علاوہ تعزیت کے کچھ آداب اور واپسی کا جو سفر ہوا ہے دنیا سے, اس پہ کچھ باتیں اس کیسٹ میں موجود ہیں. آپ خود بھی سنیں, اوروں کو بھی سنائیں, تو اس سے بھی انشاءاللہ ان کی والدہ کے لیے بھی اور خود اس بچی کے لیے جو فوت ہوئی ہے ایک صدقہ جاریہ ہوگا. اگر ہم دوسروں کے لیے بھلائی سوچیں گے, ہم دوسروں کے لیے خیر سوچیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کوئی خیر کا راستہ نکال دے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.